तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, सनी देओल ऐसा जबरदस्त कमबैक करेंगे किसी ने ना सोचा था, और गदर 2 ऐसी तबाही मचाएगी ये तो दिमाग में आया ही नहीं था। बाहुबली द बिगिनिंग के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड तक को खदेड़ दिया गदर ने, और अभी भी स्टिल कमाई कर रही है, और कोई हल्की फुल्की नहीं, जबरदस्त कमाई कर रही है। जबकि साथ में ड्रीम गर्ल 2 भी चल रही है, और अक्षय पाजी की OMG 2 भी लगातार टक्कर दे रही है, और 2 दिन बाद जवान तैनात है थिएटर में, वो अलग। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, जवान भले ही आ जाए लेकिन गदर 2 फिर भी चलती रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि जनता का प्यार दिल से मिल रहा है सनी पाजी को इस बार। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी ने पहले 5 दिन में कितनी कमाई करी थी, मूवी की ग्रोथ अभी कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया, सेकंड वीक में कैसी कमाई रही और थर्ड वीक में कैसी कमाई रही, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है गदर 2 अभी भी, और चौथे हफ्ता यानी करंट जो वीक चल रहा है इसमें कैसी ग्रोथ चल रही है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 को कभी भी खुला मैदान नहीं मिला। जब भी रिलीज करी गई, एक सॉलिड अपोनेंट के साथ मूवी को रिलीज कराया गया। तब जब 2001 में रिलीज करी गई थी, आमिर खान की लगान ने जबरदस्त टक्कर दिया था। पहले तो मूवी को बहुत अंडर एस्टिमेट करा गया था, लेकिन जब गदर ने रिदम पकड़ी तो उसे कोई पकड़ ना पाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे जबरदस्त रिकॉर्ड टूटे बॉक्स ऑफिस में, जो सुनामी देखने को मिली उस टाइम, इतनी कमाई भी हो सकती है किसी मूवी के द्वारा, ये पहली बार वो मंजर देखने को मिला था। सेम अभी 2023 में जब गदर 2 भी आई तो दोबारा से एक सॉलिड अपोनेंट देखने को मिले, एक नहीं 3 अपोनेंट देखने को मिले, जिसमें रजनीकांत की जेलर थी, अक्षय कुमार की OMG 2 थी, और मेगा स्टार चिरंजीवी की भोला शंकर भी थी। और हाल फिलहाल में आज से करीबन 7 से 8 दिन पहले ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान खुराना की ब्लॉकबस्टर मूवी का सिक्वल भी रिलीज कराया गया। तो अभी भी सॉलिड टक्कर मिल रहा है, लेकिन गदर 2 पहले दिन से ही जो जबरदस्त कमाई कर रही है, किसी का बाप नहीं रोक पाया उस कमाई को। जी हां दोस्तों, ऐसी ताबड़तोड़ कमाई कर ये इन सब मूवी को खदेड़ते हुए मूवी ने आगे बढ़ा, सनी देओल ने पूरी जनता अपने नाम कर ली। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है, और मूवी को 4000 स्क्रीन्स दी गई थी अपने पहले दिन, जिसने पहले दिन 40 करोड़ के आंकड़े के साथ खाता खोला था। तीसरे दिन 52 करोड़ और पांचवें दिन में 55 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई करते हुए पहले 5 दिन में टोटल 234 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में टोटल कलेक्शन 284 करोड़ के आसपास हो चुका था, और पूरी दुनिया से पहले 7 दिनों के कलेक्शन 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। इसी के साथ पहले 10 दिन में कलेक्शन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 378 करोड़ को टच कर चुका था, और वहीं सेकेंड वीक में 419 करोड़ के नेट इंडियन कलेक्शन ये अपने नाम कर चुकी थी। इसी के साथ थर्ड वीक हफ्ते की भी शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए पहले 17 दिन में 456 करोड़ का आंकड़ा नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से अपने खाते में रख चुका था, और फास्टेस्ट 450 करोड़ कंप्लीट करने वाली हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी तीसरे नंबर की, जो उस टाइम पर KGF पठान के भी रिकॉर्ड को तोड़ता है फास्टेस्ट कमाई करने के मामले में। इसी के साथ तीसरे हफ्ते में लगभग 64 करोड़ की कमाई पूरे तीसरे हफ्ते में करी, और एंड ऑफ थर्ड वीक तक 482 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर लिया था नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी एट दैट टाइम। तो पहले 3 हफ्ते शानदार कंप्लीट करने के बाद चौथे हफ्ते में भी अच्छी रिदम गदर 2 से आगे बढ़ते रही। ये दोस्तों 22वें दिन 5 करोड़ 10 लाख और 23वें दिन में 5 करोड़ 85 लाख, इसी के साथ 24वें दिन में फिर से एक बार फिर ऐतिहासिक कमाई करते हुए जो हुंकार भरी है अपने 24वें दिन में, जी हां दोस्तों 7 करोड़ 80 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी। देखा जाए तो गदर 2 ने जो 24वें दिन में कलेक्शन किया था वो नॉर्मली बॉलीवुड की फिल्में फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड होता है। बाय गॉड, इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी गदर 2, जिसने बाहुबली बिगिनिंग और पठान तक के रिकॉर्ड तक तोड़ दिया, जिन्होंने ये आंकड़ा अपने नाम 28वें या 29वें दिन में कवर किया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से एंड ऑफ द डे तक 650 करोड़ के क्लब में शामिल होकर बाहुबली द बिगिनिंग के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया था। इसी के साथ कल यानी मंडे जो वर्किंग डे है उसमें थोड़ा सा कमाई स्लो देखने को मिली, यानी 25वें दिन में कल 2 करोड़ 80 लाख की कमाई करी थी। लेकिन वहीं बात करें आज यानी डे 26 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो आज भी ट्यूजडे वर्किंग डे है, तो आज भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, मतलब रिदम देखने को मिलेगी, जो जैसी कमाई कल थी वैसी कमाई आज भी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा उछाल आता दिख रहा है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्युपेंसी रेट के साथ लगभग 12 से 15 करोड़ के रेट के साथ मूवी ओपनिंग करी। आफ्टरनून और इवनिंग में जबरदस्त शोज अपने हाथे में आज भी रख रही है। ड्रीम गर्ल 2 को आज भी सॉलिड तरीके से क्लैश कर रही है,
और एडवांस से ही लगभग 37 लाख का खाता खोलते हुए एंड ऑफ द डे तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है। और अपने पहले 26 दिन में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से आज 507 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है मूवी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसी के साथ एंड ऑफ द वीक मतलब चौथा हफ्ता खत्म होते होते बाहुबली के 511 करोड़ के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ये खदेड़ देगी और पठान के 523 करोड़ के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी ये खदेड़ देगी। इसी के साथ बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी कम समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर वन फिल्म बन चुकी है जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ कंप्लीट करे, फिर 200 करोड़, फिर 300, 400, 500, 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी और अब आने वाले 5 या 6 दिन में ये फिल्म 700 करोड़ के आंकड़े में भी नजर आएगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ दंगल टाइगर जिंदा है मूवी को भी खदेड़ चुकी है ये मूवी गदर 2 और कम समय में बहुत तेजी से कमाई करने वाली नंबर वन ग्रॉसर मूवी तो ये बनी चुकी है। तो मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी गदर 2 देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। और गदर 2 क्या 800 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं, दूसरा क्या जवान गदर 2 को टक्कर दे पाएगा या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।